और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैरात लेने का बड़ा बेहतरीन किस्म का तरीका है। आप यकीन करें, मनो दे भावे ना मनो, मेरी गल दे यकीन आवे दे भावे ना आवे, अगर चाहते हैं कि हजूर का करम मेरी तरफ हो, मैं हर वक्त हजूर की निगाह के नीचे रहूं, तो बड़ा बेहतरीन एक कुलिया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसे दिल थाम के सुनो, दिल थाम के सुनो और उस पे अमल करो, इंशाल्लाह फकीर को दुआएं देते रहोगे। बता दूं आपको, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की उम्मत का रिश्ता जो है सरकार के साथ जोड़ते जाओ, यकीन आए हाय हाय, कोई बड़ा बेहतरीन कुलिया जे यकीन जानो। जिथे बैठो मदीने आले दिया गल्ला, जिथे बैठो मदीने आले दिया गल्ला, जिथे बैठो मदीने आले दिया गल्ला, अगले बंदे दे दिल विच हजूर दी मोहब्बत कुट कुट के भर दियो। और खुदा दी कसमें और तुहाडी दावत दे नाल अगर एक आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया तो समझो तुसी मुस्तफा को जन्नत नु खरीद लिया है, शिफा दे रसूल के हकदार हो जाओ। आप करके देखिए और आप यकीन करें, अगर आपने ऐसा किया तो आप सोच भी नहीं सकते लम्हा लम्हा हजूर का दीदार भी नसीब होता जाएगा। लोगों को नमाज की दावत दिया करो, गाफलों को जिक्र की दावत दो, बेनमाजियों को नमाज की दावत दो, गुनाहगारों को तौबा की तबलीग करो, लोगों को ऐसी सोबतों में लेकर आया करो। ऐसी सोबतों में बैठने से कल्बे सियाह कल्बे मुनव्वर हो जाती है, रूहें पाक हो जाती है, मुंतशिर सोच एक नुक्ते पे मुंजबिद हो जाती। ऐसी महफिलों में बैठने से इश्क रसूल की आग दिल में भड़क उठती है। सुभान अल्लाह।